सरकारी चावल की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में हुड़केश्वर एसीपी ऑफिस को कामयाबी हाथ लगी है। हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज हुए इस मामले में पुलिस ने 20,51,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादार ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हुड़केश्वर एसीपी ऑफिस को गुप्त सूचना मिली कि अजीजा कौसर मस्जिद के पास राशन का चावल गोडाउन से गाड़ी में लोड किया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उक्त जगह स्थित गोडाउन पर छापा मारा। इस दौरान उन्होंने रंगे हाथ राशन की चावल को लोड करते हुए जब्त किया। इस दरमियान जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि आरोपी ऑटो से घर घर जाकर चावल लेते थे या फिर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य दो राज्यों से आए सरकारी चावल की गाड़ियों से चावल की चोरी करते थे और बाद में उन्हें एक जगह रखकर उन्हें पॉलिश करने के लिए गोंदिया भेजती थी। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादार ने अधिक जानकारी साझा की। एसीपी ऑफिस अजनी नागपूर शहर यांची आमची जी टीम आहे त्या टीममधले नंदलाल डोमणे, संतोष पांडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील विश्वकर्मा यांना खबर मिळाली की दिगोरी पुलाजवळ एका गोडाऊनमधून रेशनिंगचा जो तांदूळ आहे तो काळ्या बाजारात विक्री होत आहे, त्या ठिकाणी एक ट्रक लोड केला जात आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून सदर ठिकाणी काल दिनांक 5 रोजी पहाटे 5 वाजता छापा टाकला असता हा जो ट्रक उभा आहे या ट्रकमध्ये 400 गोनी माल भरलेला होता। तसेच त्या गोडाऊनमध्ये 490 गुणी आणखी गोडाऊनमध्ये शिल्लक होत्या। अशा एकूण 890 गुणी प्रति 50 किलो असलेल्या 890 गुणी जागेवर आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। त्यासोबत एक ट्रक जप्त केलेला आहे, एक छोटा हत्ती आणि एक टू व्हीलर वाहन अशा पद्धतीनं घटनास्थळावर जप्त केलेले आहेत। सदरचा जो माल आहे ह्या गोण्या ज्या रिकाम्या होत्या त्या पाहिल्या असता त्या गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गव्हर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गव्हर्नमेंट ऑफ पंजाब आणि गव्हर्नमेंट ऑफ हरियाणा अशा 4 वेगवेगळ्या स्टेटच्या गव्हर्नमेंटचा जो फूडचा रेशनिंगचा जो माल आहे तो त्या ठिकाणी आणून त्या थैला रिक्त करून दुसऱ्या वेगवेगळ्या पांढऱ्या गोणीमध्ये हा माल भरला जात होता। अशा ज्या गव्हर्नमेंटच्या ब्रँडिंग असलेल्या रिकाम्या गोण्या आहेत त्या 500 गोण्या रिक्त आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। सील आणि लेबलिंग ब्रँडिंग असलेल्या 25 थैली सदर ठिकाणी आम्हाला मिळालेल्या आहेत। सदर ठिकाणी रेड केल्यानंतर याची इन्फॉर्मेशन संबंधित तहसीलदार यांना आम्ही दिलेली आहे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अहमद रजा मोहम्मद कासिम, अमोल शांतिदास लंबाड़े और वाहन चालक मनोज हरिराम उइके को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 2 सालों से आरोपी ये कालाबाजारी करते थे, हालांकि पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों से कुल 20,51,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।